हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर 9 है जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड और इसका पार्ट 11 है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये सबसे लास्ट पार्ट है कार्बन कंपाउंड का और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 9 है जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड और ये साइंस 1 का पार्ट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो ये मैं आप लोगों को एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ इंक्लूडिंग ऑल टॉपिक्स बताने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, इसमें हम लोग फ्रेंड्स मॉलिक्यूल के बारे में, यानी कि जो पॉलीमर है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, फिर इसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल, नेचुरल मॉलिक्यूल्स, जो भी पॉलीमर है, मोनोमर है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर समझ लो, सिंपल सी बात है, मोनोमर क्या होता है। मोनोमर एक ऐसा, जो अगर वर्ड लिखूं मैं मोनोमर, तो ये जो मोनोमर है, तो मोनोमर का मतलब, मोनो मतलब सिंगल और जो मर मतलब स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्म, कोई भी एक तरीका, फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो मोनो मतलब सिंगल होता है और मर मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मोनोमर का मतलब है यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर, ये हो गया मोनोमर, सिंगल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर समझ लो मीथेन बोलो, तो मीथेन एक सिंगल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर वो ऐसे ही चार पांच मीथेन आ जाएं, समझ लो एक CH4 है, एक CH4 क्या है, एक सिंगल सा मोनोमर है, ये अभी मोनोमर है, एक सिंगल स्ट्रक्चर यानी कि मोनोमर। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं 10, 20, 100, 200, 4000 इतने सारे अगर मैं मीथेन लेके आऊं और एक साथ मिक्स कर दूं, तो ये क्या बन जाएंगे, बहुत सारे मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर यानी कि सिंगल सिंगल मर यानी कि स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर जब क्रिएट होंगे एक साथ, तो इसको क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं, पॉली। पॉली मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, तो जो पॉली मतलब होता है बहुत सारा होता है, तो अगर मोनो मतलब सिंगल होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, तो जो ये CH4 है, बहुत सारे जब CH4 हम लोग ला के मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा पॉलीमर, तब ये मोनोमर नहीं होगा। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, पॉलीमर। हमेशा याद रखना, मोनोमर कब होता है, जब सिंगल मर यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर होगा, जब बहुत सारे स्ट्रक्चर आके फॉर्म होंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसको उस टाइम पे हम लोग मोनोमर नहीं, जबकि सिंगल यानी कि बहुत सिंगल वाला स्ट्रक्चर नहीं है वो, इसलिए हम लोग उसको मोनोमर ना बोल के पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप लोग को याद रखना है कि मोनोमर क्या है। अब एक चीज और ध्यान रख लो, पॉलीमर हमेशा मोनोमर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। अगर मोनोमर ही पहले होगा, वो बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होंगे और पॉलीमर बन जाएगा। हमेशा याद रखना, पॉलीमर बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, जैसे कि अभी बहुत सारी अपने इंडिया में रिवर है, तो ये एक रिवर मोनोमर है और सारी की सारी रिवर जाके एक सी में मिल गई, समुद्र में मिल गई, तो वो एक पॉलीमर है। ठीक है, समझ गया। तो ऐसा सारे मिलके ही एक चीज, बड़े चीज को बनाते हैं, वही पॉलीमर है, और सिंगल सिंगल जो मिलते हैं वो मोनोमर है। ठीक है, हमेशा याद रखना इसको। नाउ माइक्रो मॉलिक्यूल सीख लेते हैं हम लोग। माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव सीन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट नंबर ऑफ नोन कार्बन कंपाउंड इज लार्ज एज अबाउट 10 मिलियन। 10 मिलियन नंबर, मतलब इतने नंबर ऑफ कार्बन से एक कंपाउंड बन सकता है। 10 मिलियन कार्बन एलिमेंट के साथ इतने सारे कंपाउंड एक बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। एंड द रेंज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मासेस 1012 1012। आप लोगों ने देखा होगा, किसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसको, एनोमलस, या फिर जो कार्बन का सबसे फंडामेंटल बिहेवियर था सबसे स्टार्टिंग में, उसमें हम लोग देखा था बॉन्ड के बाद। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नाउ द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एटम इज वेरी लार्ज फॉर द मॉलिक्यूल्स विद द हाई मॉलिक्यूलर मासेस, यानी कि जो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम है वो बहुत ही लार्ज होता है विद हाई मॉलिक्यूलर मासेस। अगर बहुत सारा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई बहुत बड़ा आदमी, तो उसका मास भी तो बहुत ज्यादा होगा। वैसे ही सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ा ज्यादा अगर बहुत बड़ा अगर कार्बन का एलिमेंट है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो इनडायरेक्टली क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो याद रखना, द जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। द जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, कार्बन के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स को मिलकर के जो भी एक जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, उसे बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखना। नाउ दे आर फॉर्म, यानी कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पॉलीमर। अब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है यानी कि वो पॉलीमर है, वो कैसे बना होगा, सिंगल सिंगल मोनोमर से। हमेशा याद रखना। तो मैंने मोनोमर और पॉलीमर का कंसेप्ट आप लोग को बता दिया है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही पॉलीमर होते हैं नॉर्मली।
हमेशा याद रखना। अभी माइक्रोमोलिक्यूल तो हम लोग बनाते हैं तब बनता है, यानी कि आर्टिफिशियल थे माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन नेचुरल माइक्रोमोलिक्यूल क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द नेचुरल माइक्रोमोलिक्यूल्स नेमली पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द सपोर्टिंग पिलर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। हमेशा याद रखना जो शुगर है यानी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, जो प्रोटीन होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सारे क्या होते हैं, ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, अपनी बॉडी को। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, पॉली पॉली मतलब बहुत ज्यादा, सैकेराइड यानी कि शुगर, जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि फ्रक्टोज ग्लूकोज, ये सारे क्या होते हैं, सैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो सैकेराइड्स यही है, और पॉली यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज बहुत सारे फ्रक्टोज मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। अब ये नेचुरली बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, इसलिए ये नेचुरल मॉलिक्यूल है, समझ गया, यानी कि नेचुरल माइक्रो मॉलिक्यूल है बड़ा वाला, ठीक है। वैसे प्रोटीन, प्रोटीन आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में देखा होगा, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल और क्या है, पॉलीमर है, समझ गया। तो लेकिन वो कहाँ पे फॉर्म होता है, बॉडी के अंदर, इसीलिए वो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है, समझ गया। इतना बात ध्यान रखना, लिविंग वर्ल्ड में ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, पिलर्स हैं बॉडी के, ठीक है। वी गेट फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम पॉलीसेक्राइड नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज, याद रखना सेलुलोज, लास्ट में ओज वर्ड, जिसके भी वर्ड के बाद में ओज आया वो समझ लेना वो शुगर है, यानी कि वो सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये सारे सैकेराइड्स आते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज सेलुलोज, ये सारे। तो स्टार्च और जो सेलुलोज, जो सेलुलोज है, सेलुलोज क्या बन जाता है, ये मेनली जो क्लोदिंग वगैरह शेल्टर यानी कि ये सब के लिए काम आता है। नाउ प्रोटीन कंस्टिट्यूट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि बाहर के जो लॉजिकल यानी कि बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उनमें प्रोटीन हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी के लिए, ठीक है। नाउ न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल्स द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल, आप लोगों को पता होगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, यही सबसे यानी कि जो हेरिडिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यही साइटोसिन ग्वानिन वगैरह में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब के बारे में पढ़ा है। रबर भी, एक जो रबर होता है आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, बड़ा सा माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको इनडायरेक्टली पॉलीमर बोलते हैं। तो ये सारे नेचुरली थे, जो कि इंसान क्रिएट नहीं करता है, इनडायरेक्टली ये नेचर में क्रिएट होते हैं, इसलिए ये थे नेचुरल मॉलिक्यूल। सिमिलरली मैन मेड मॉलिक्यूल, तो मैं डायरेक्टली आप लोग को माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में पता चल चुका है, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को मैन मेड के। बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, देखो यहाँ पर कॉटन वगैरह है, रबर है, ये मैन बनाते हैं। फिर जो सिल्क है, ये भी मैन यानी कि मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है। बहुत सारे आर्टिकल शीट्स पाइप्स वगैरह, देखो पाइप्स यानी कि जो घर पे आती है नल की पाइप्स प्लास्टिक वाली, तो ये छोटे छोटे कार्बन के कंपाउंड से ही बनती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के मॉलिक्यूल से बहुत बड़ी प्लास्टिक बनती है, तो ये पाइप है, बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है। पॉलीइथीन है, आपने देखा जाके बैग्स, प्लास्टिक बैग्स जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, बोलते हो पॉलीथीन दे दो, वो जो पॉलीइथीन है, वो इथीन, बहुत सारे इथीन को मिलाकर एक बहुत बड़ा माइक्रो मॉलिक्यूल बना। तो जब एक सिंगल सिंगल मोनोइथीन मिल मिलकर बहुत सारे एक कंपाउंड बना दिए, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन, पॉली मतलब बहुत बड़ा इथीन, ठीक है, बहुत सारे इथीन, और मोनोइथीन यानी कि एक सिंगल सा इथीन, तो पॉलीइथीन यानी कि पॉलीमर हो गया, ठीक है। तो इतना बात आपको हमेशा याद रखना है, बस यही चीज के बारे में है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जिसमें हम लोग पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं, नाउ ए मैक्रो मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिपीटेशन ऑफ अ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर, यानी कि जो पॉलीमर है, ए मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, फॉर्म्ड बाय अ रेगुलर रिपीटेशन, यानी कि एक सिंगल सिंगल जो मोनोमर है उनके रेगुलर रिपीटेशन के बाद जो एक बड़ा सा कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतना बात आप लोग को हमेशा याद रखना है। नाउ द स्मॉल यूनिट दैट रिपीट रेगुलरली, जो वो स्मॉल यूनिट है वही तो मोनोमर है, हमेशा देखना उसी को मोनोमर बोलते हैं जो रिपीट होता है, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया इसके पहले, ठीक है। नाउ द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, अब जिस रिएक्शन के वजह से एक सिंगल सा मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को भी कुछ बोलते होंगे, तो उस प्रोसेस को कुछ और नहीं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमर, यानी कि पॉलीमराइजेशन, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं। यानी कि मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर से कंबाइन होंगे, एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन, चार मोनोमर, पांच मोनोमर, इससे क्या बनेगा, बड़ा सा एक पॉलीमर बनेगा, और इस जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, हमेशा याद रखना इसको, ठीक है। नाउ वन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज टू मेक अ पॉलीमर बाय ज्वाइनिंग अल्कीन टाइप मोनोमर, यानी कि जो पॉलीथीन है तो उसका
हम लोग देखते हैं अभी पॉलीमराइजेशन कैसे फॉर्म होता है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो, जो पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमराइजेशन में देखो सबसे पहले एक इथीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर देखो एक इथीन है, फिर ये दूसरा इथीन मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे देखो ये तीसरा इथीन मॉलिक्यूल है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। कंबाइन होकर देखो यहाँ पर एक बड़ा सा पॉली इथीन बना देंगे, यानी कि वह इथाइलिन जो भी है, तो इसे एक पॉली बना देंगे, यानी कि एक सिंगल सिंगल इथीन मॉलिक्यूल से बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड, बड़ा सा माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। यानी कि सिंगल सिंगल इथीन से मोनो इथीन से क्या बनेगा, एक बड़ा सा पॉलीमर बन जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, पॉली इथीन, ठीक है। यानी कि एक सिंगल सिंगल इथीन से मोनो मोनो इथीन से मोनोमर से, ये सारे मोनोमर है, मोनोमर से क्या बन गया, एक बड़ा सा पॉलीमर, यानी कि एक बड़ा सा पॉली इथीन, एक इथीन दूसरा इथीन तीसरा इथीन मोनो इथीन मोनो इथीन कंबाइन होके ऐसे क्या बना दिए, ये पॉली इथीन। यानी कि याद रखना हमेशा पॉली इथीन या पॉलीमर या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल हमेशा स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल से ही बनता है, और जो वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मोनोमर बोलते हैं, और जो बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो हमेशा इस चीज को हमेशा याद रखना है और इसके बेसिस पे ही पढ़ना है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को। तो ये पॉलीमराइजेशन था, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाली स्लाइड में, आज फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल है पॉलीमर के, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉलीमर के बहुत सारे एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं, जैसे पॉलीइथाइलीन पढ़ लिया, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं, इसका कंस्टिट्यूट किससे बनता है, ये इथाइलिन से बनता है, यानी कि इथीन इथाइलिन एक ही बात है, इससे बनता है। अब अगर हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि देखो यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, एन टाइम्स, यानी कि कितने भी इथीन मॉलिक्यूल अभी भी आकर इसमें अटैच हो सकते हैं, हमेशा याद रखना। और ये कहाँ पे यूज होता है, कैरी बैग्स स्पोर्ट्स वियर वगैरह इन सब में ये यूज होता है, ये पॉलीथीन हो गया। पॉलीस्टायरीन, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले भी, तो पॉलीस्टायरीन किससे बनता है, देखो ये इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, देखो यानी कि ये बेंजीन होता है मोस्टली, और उसमें इथीन मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। तो जो पॉलीस्टायरीन है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, याद रखिएगा स्ट्रक्चर है ऐसा ही है, इसको याद करना ही पड़ेगा, कुछ इसमें नया चेंज नहीं है, कुछ भी हो जाए इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका नाम है ये मोस्टली थर्माकोल वगैरह में यूज होता है। वैसे ही पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, पीवीसी यानी कि जो प्लास्टिक की पाइप्स होती है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, यानी कि पीवीसी होती है, वो किसे बनता है, विनाइल क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर इसका कॉमन नेम है, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, यानी कि जो इथाइल क्लोराइड है ना, इथाइल यानी कि जो 1-chloroethene है, इसी को हम लोग विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, याद रखना ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। जैसे कि इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, वो उसका कॉमन नेम था, वैसे इसको विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है, आपको सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पॉलीविनाइल क्लोराइड इससे ही बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे देखो यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन है, टेफ्लॉन है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइट है, ये सारे बहुत सारे किससे बनता है और ये कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, ये याद करना ही पड़ेगा, याद कर लीजिए इसे, कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि जिसका जो जैसा नाम है वो नाम उसका वैसा ही रहने वाला है, कोई दूसरा तरीका नहीं, आप याद करना पड़ेगा इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है, होमोपॉलीमर क्या होता है और जो एक मतलब हेटरोपॉलीमर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मैंने इसके पहले ही बताया है, होमोलोगस सीरीज हेटरोलोगस सीरीज ये सब के बारे में आपने इसके पहले पढ़ा है क्रोमोजोम से रिलेटेड बारे में, वैसे ही होमोवर्ड का मीनिंग होता है सेम, पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर पॉलीमर, ठीक है। तो होमोपॉलीमर यानी कि समझ लो जैसे कि पॉलीइथीन हो गया, तो एक इथीन है, दूसरा इथीन है, तीसरा इथीन है, ऐसे सेम इथीन आके जब कंबाइन होकर बनाएंगे इसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। जब कभी भी यहाँ पे एक CH4 है समझ लो, दूसरा मॉलिक्यूल CH2H5 हो गया या फिर H6 हो गया, यानी कि कभी भी सेम मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बड़ा सा पॉलीमर ना बने, तो उस टाइम की कंडीशन को बोलेंगे हेटरोपॉलीमर, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, पर होमोपॉलीमर ये आप लोग को याद रखना है, सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ पॉलीमर ही होमोपॉलीमर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और एक चीज और देख लो, द अदर टाइप्स ऑफ पॉलीमर आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर मोनोमर्स, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर। अदर टाइप्स ऑफ जो कि यानी कि हेटरोपॉलीमर वाले की अगर मैं बात करूं, उनको बोलते हैं कोपॉलीमर, यानी कि टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर से जब बनते हैं, यानी कि कोई मीथेन है, कोई पहला मॉलिक्यूल, पहला मोनोमर मीथेन हो गया, दूसरा मोनोमर इथेन हो गया, तीसरा प्रोपेन, ये सब कंबाइन होकर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, कोपॉलीमर होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना।
एग्जाम्पल पीईटी का जो आपने देखा होगा, ये पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट होता है। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, ये एक टाइप का कोपॉलीमर है, ठीक है। हमेशा इसे याद रखना है और कुछ नहीं, बस ये एमसीक्यू पॉइंट है, याद रखना है। नाउ द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉलीमर वेयर अंडरस्टूड अंडर द कैरिंग आउट देयर डिकम्पोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ द मेन नेचुरल पॉलीमर इज गिवन इन द टेबल बिलो। टेबल के नीचे आप लोग को जो मैं अभी बताऊंगा, इसे कंपोजिशन दिए कौन कौन से कंपोजिशन, यानी किससे किससे कंबाइन होके कौन कौन सा पॉलीमर नेचुरली बनते हैं, और बाकी सब तो आपको पढ़ा ही है आपने, मैंने इसके बारे में बता दिया, आप लोग पढ़ लीजिए समझ जाएगा इसको, ठीक है। तो चलते थोड़ा सा यहां पर नेचुरल पॉलीमर का कंपोजिशन कैसा कैसा है। तो पॉलीसेकेराइड पहला ये पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ये किससे बनता है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। ऑकरेंस कहां पर, स्टार्च में ये आपको मिलेगा, स्टार्च जो होता है स्टार्च में, और ये जो ग्लूकोज है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये पॉलीसेकेराइड बनता है। सेलुलोज ये भी ग्लूकोज से बनता है, मैंने पहले बताया सारे शुगर है, ठीक है। प्रोटीन ये अल्फा अमाइनो एसिड से बनता है, पढ़ा होगा बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, कहां पढ़ा है आप लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर साइंस 2 का ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। नाउ डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए ये भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। फिर उसे रबर है, रबर आइसोप्रीन से बनता है, याद रखना, ये सारे इनके कॉम्पोजिशन है, ठीक है, इनसे क्रिएट होते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ पॉलीमर, इसके पहले के जो रिएक्शंस थे इथेनॉइक एसिड के, और भी बहुत कुछ पूरा, ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा, ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिए इस सारी वीडियो को, मैं इसकी प्लेलिस्ट एक बना दिया हूँ, नीचे न्यू इंडियन एरा जहाँ पर लिखा है उसमें क्लिक करेंगे आप, उस लोगो में क्लिक करेंगे न्यू इंडियन एरा के, और क्लिक करके आप सीधे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके कार्बन कंपाउंड की प्लेलिस्ट ढूंढ के सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को भी शेयर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड्स को, चैनल के बारे में आप जितनी पब्लिसिटी करेंगे आपका उतना ही फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।